यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कंफर्मेशन दे दो आप लोग। चलिए तो हम आगे बढ़ देते हैं और आज पढ़ते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन डीबीएमएस। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आगे चलकर हम अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में फंक्शनल डिपेंडेंसी का बहुत बड़ा रोल है। तो आज की वीडियो में आपको दो चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैसे निकालते हैं और कैंडिडेट कीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये दो चीजें जब आप अच्छे से सीख जाओगे तभी आप नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से समझ पाओगे। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे यूज में आता है, वो सारी चीजें जो है वो आज के वीडियो में डिपेंड करेगी। और जो आज का वीडियो है इससे समझ लो कि आपको फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। अगर आप गेट के या नेट की एग्जाम की बात करते हैं, कॉलेज के एग्जाम की बात करते हैं, हर जगह पर आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने ये मिस कर दिया तो फिर आप ये समझ लो कि आपका नॉर्मलाइजेशन का पूरा टॉपिक जो है वो चला जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। उसमें से अगर आप लोगों में से कोई भी, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप में से अगर कोई भी नेट या गेट की प्रिपरेशन करना चाहता है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप लोग बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो 9555031137। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए गेट की क्लासेस या नेट की क्लासेस के लिए, जिसके लिए भी इंटरेस्टेड हो। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होगी मैं आपको बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन लिंक ऑलमोस्ट अराउंड 26 जनवरी के अराउंड रिलीज कर दूंगा मैं। तो आप लोग अगर मुझे मैसेज ड्रॉप कर दोगे तो मैं आपको पर्सनली वो लिंक भेज दूंगा और आपका नंबर सेव कर लूंगा। तो जो पेड बैच रहेगा वो पेड कोर्स रहेगा, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो उसमें ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कोर्स होने वाला है वो। हर एक चीज का एनालिसिस मिलेगा, वीडियो कॉलिंग के आपका वीडियो कॉलिंग भी होगी जिसमें कि आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। हर हफ्ते आपका एस्टिमेशन करूंगा मैं कि आपकी पढ़ाई ऑन ट्रैक चल रही है कि नहीं, ये सारी चीजें। ठीक है, वॉइस लो आ रही है? वॉइस सभी को लो आ रही है या किसी एक दो को ही लो आ रही है? वॉइस सबको लो आ रही है या फिर एक दो को? अभी ठीक है, पहले से बेटर है। चलो तो अब फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ लेते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कंस्ट्रेंट दैट डिटरमाइंस द रिलेशन ऑफ वन एट्रीब्यूट टू अनदर एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जैसे कि ये हमारा कॉलम, ये हमारा टेबल है। ठीक है, तो हमारे टेबल में ये जो एम्प्लॉई नंबर है ये एक एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉई नेम भी एक एट्रीब्यूट है, सैलरी भी एक एट्रीब्यूट है और सिटी भी एक एट्रीब्यूट है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो एक एट्रीब्यूट दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड करता है या उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ कंस्ट्रेंट दैट डिटरमाइंस द रिलेशन ऑफ वन एट्रीब्यूट टू अनदर एट्रीब्यूट इन द डेटाबेस सिस्टम। फंक्शनल डिपेंडेंसी हेल्प्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस। फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमारा क्या होता है बेनिफिट, कि हम उस डेटा की डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिपेंड डिनोट किया जाता है इस तरीके से, एक्स टेंस टू वाई। तो हम ये बोलेंगे कि फंक्शनली डिपेंडेंसी ऑफ एक्स ऑन y इज रिप्रेजेंटेड बाय x टेंस टू y, मतलब कि x से हम y को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर x जो है वो हेल्प करेगा हमें y को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम शो करते हैं x और y क्या हो सकते हैं। x जो है वो भी आपका सेट ऑफ एट्रीब्यूट होगा और जो y है वो भी आपका सेट ऑफ एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो अगर मैं पता करूं कि यहाँ पर अगर मैं एम्प्लॉई नंबर अगर आपको दिया है, तो एम्प्लॉई नंबर आप देखो कि एम्प्लॉई नंबर सब में यूनिक है। एम्प्लॉई नंबर क्या है? सब में यूनिक है। यहाँ पर देखो एम्प्लॉई नंबर 1, 2, 3, किसी भी दो एम्प्लॉई का एम्प्लॉई नंबर सेम नहीं है। मतलब कि अगर आपको एम्प्लॉई नंबर दिया है तो आप उससे एम्प्लॉई का नेम, उसकी सैलरी और उसकी सिटी तीनों आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई बात समझ में? क्योंकि एम्प्लॉई नंबर यूनिक है इसलिए। ठीक है, अगर एम्प्लॉई नंबर अगर यूनिक नहीं होता तो आप सारी चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि एम्प्लॉई नेम अगर मान लो दो लोगों का कॉमन हो सकता है, तो अगर एम्प्लॉई नेम अगर दो लोगों का कॉमन हो गया तो आप उससे सारी चीजें डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन एम्प्लॉई नंबर सबका यूनिक होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉई नंबर अगर आपको दिया हुआ है, तो एम्प्लॉई नंबर अगर आपको दिया है तो आप इससे एम्प्लॉई नंबर तो आप पता कर ही लोगे, साथ ही साथ आपको एम्प्लॉई का नेम भी पता कर सकते हो, उसकी सैलरी भी पता कर सकते हो और उसकी सिटी भी पता कर सकते हो। तो इसका मतलब कि ये आपकी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई
कि इम्प्लॉय नंबर पर डिपेंड कर रहा है इम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी। मतलब कि इम्प्लॉय नंबर अगर आपको दे दिया जाए तो इम्प्लॉय नेम भी आप पता कर सकते हो, सैलरी भी पता कर सकते हो और सिटी भी पता कर सकते हो। बात क्लियर हुई? पहली बार लाइव देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये बात है कौशल, आया बात समझ में? ठीक है, इफ वी नो द एम्प्लॉय नंबर वी कैन ऑब्टेन एम्प्लॉय नेम सिटी एंड सैलरी एक्सेट्रा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको सैलरी पता हो तो आप बाकी सारी डिटेल पता कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि दो लोगों की सैलरी सेम हो सकती है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि सैलरी अगर 500 है तो बताओ ये कौन सा रहा होगा, तो जरूरी नहीं है ना कि एक इंसान की ही दो सैलरी, एक ही इंसान की सैलरी हो। हो सकता है कि दोनों इंसान की सैलरी क्या हो, दोनों पर्सन की सैलरी, दोनों एम्प्लॉय की सैलरी 500 है, तो आप उससे यूनिकली कोई रो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। जिस कॉलम को या जिस एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर आप सारे एट्रीब्यूट्स को या फिर कुछ एट्रीब्यूट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यूनिकली, वो उसके लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी का काम करता है। अभी कुछ और एग्जांपल करते तो और क्लियर हो जाएगा। सर दीज वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर प्लेसमेंट, ऑब्वियसली ये तभी में काम में आएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें तो आपको आनी चाहिए, अगर ये आप आए समझोगे तभी आप जब कंपनीज में जॉब करने जाओगे तो आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको डेटाबेस कैसे बनाना है, स्कीमा कैसे डिजाइन करना है। कंपनीज में जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको कोई एक काम दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताओ इसका स्कीमा डिजाइन करना है, तो आप स्कीमा तभी डिजाइन कर पाओगे जब आपको ये सारे चीजें क्लियर होगी, ठीक है। डेटाबेस तभी आप डिजाइन कर पाओगे। जैसे कि एक और एग्जांपल समझते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये सीखना पड़ेगा कि किसी भी टेबल को देखकर आप उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर आज की क्लास में हमें दो चीज सीखना है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैंडिडेट कीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये दो चीजें अगर आप सीख जाओगे तो आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालेंगे। तो जैसे कि मान लो कि हमें कि स्टूडेंट नाम का टेबल दिया है जिसमें ये स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, फोन नंबर, उसकी स्टेट, कंट्री और स्टूडेंट की एज, ये चीजें हमें दी हुई हैं। अब हमें पता करना है कि इस टेबल में कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है पहले वो समझे फिर से। तो अगर मान लो कि सबसे पहले देखो कि यहां पर कौन सी चीज यूनिक है, मतलब कि किसकी मदद से हम दूसरी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या किन एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मेरे पास स्टूडेंट नंबर है, अगर मेरे पास स्टूडेंट का क्या है, अगर मेरे पास स्टूडेंट का नंबर है, रोल नंबर है, तो मैं उससे क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट नंबर हर एक का यूनिक होने वाला है, किसी भी दो स्टूडेंट का स्टूडेंट नंबर सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे स्टूडेंट नंबर पता चल जाए तो मैं उसका स्टूडेंट का नेम, उसका नेम पता कर सकता हूँ, उसका फोन नंबर पता कर सकता हूँ, वो कौन से स्टेट में बिलोंग करता है, उसकी कंट्री क्या है, ठीक है, उसकी कंट्री कौन सी है और उसकी एज क्या है, ये सारी चीजें मैं पता कर सकता हूं, तो ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाएगी। समझ में आया? अगर मैं स्टूडेंट नंबर मैं ले लूं तो स्टूडेंट नंबर क्योंकि सबका अलग अलग है, तो स्टूडेंट नंबर से मैं स्टूडेंट नेम भी पता कर सकता हूं, फोन नंबर भी पता कर सकता हूं, स्टेट भी पता कर सकता हूं, कंट्री भी और एज भी, तो ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब जरूरी नहीं है कि एक टेबल में एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी हो, कई सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि एक ही कॉलम को लेकर आप फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालो। हो सकता है कि एक से ज्यादा कॉलम्स को कंबाइंड कर आप फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाल सकते हो। कैसे, अभी बताता हूं। अब हम सोचते हैं कि क्या कोई और फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकती है क्या। अब मैं ये सोचता हूं कि क्या स्टूडेंट नेम से मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी आ सकती है क्या। तो अगर मुझे स्टूडेंट नेम पता हो तो मैं क्या कुछ भी पता कर सकता हूँ, कोई दूसरा कोई एट्रीब्यूट पता कर सकता हूँ क्या? तो जैसे कि मान लो मुझे स्टूडेंट नेम पता चल गया राम, तो राम जो है वो एक से ज्यादा स्टूडेंट का नाम हो सकता है, कोई दो स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका नेम जो है वो सेम है लेकिन उनका स्टूडेंट नंबर अलग अलग है, फोन नंबर अलग है, स्टेट अलग है, कंट्री हो सकता है सेम हो सकता है अलग हो, और एज भी हो सकता है सेम हो सकता है अलग हो। तो इसका मतलब कि अगर आपको स्टूडेंट का नेम बता दिया जाए तो आप नहीं बता सकते कोई भी चीज,
ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। गुड इवनिंग शोहेब, कनिका, मयूर, रोहित, शिवम, जगमीत, गुड इवनिंग। ये बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट नेम अगर आपको दिया है तो आप कोई भी चीज यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फोन नंबर जरूरी नहीं है कि फोन नंबर कॉमन हो सकता है, हो सकता है किसी दो स्टूडेंट का फोन नंबर सेम हो। मान लो कि कोई दो भाई हैं, राम और सुरेश, मान लो कि दोनों भाई हैं तो दोनों का फोन नंबर भी सेम हो सकता है, ठीक है ना। दोनों का क्या हो सकता है, दोनों का फोन नंबर भी सेम हो सकता है। तो अगर दो लोगों का फोन नंबर सेम है तो जरूरी नहीं है कि उनका नाम सेम हो, उनकी आईडी सेम हो, उनका स्टेट सेम हो, या कंट्री सेम हो, या एज सेम हो। तो फोन नंबर से भी आप कोई भी चीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो फोन नंबर से भी कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं निकलेगी। हाँ, प्राइमरी की आप मान सकते हो, प्राइमरी की भी जरूरी नहीं है। बस ये देखना है कि हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। प्राइमरी की वो होती है जिससे हम सारे एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई कर पाए। यहां पर मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भले ही सारे कॉलम ना आइडेंटिफाई कर पाए, लेकिन कोई एक दो कॉलम तो हो सकता है जो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊं। जैसे कि अब अगर स्टेट दिया है मुझे, तो स्टेट अगर हरियाणा है तो पक्की बात है कि उसका इंडिया ही कंट्री होगी। अगर मुझे पंजाब दिया है तो पंजाब भले ही दो बार आ रहा है, पंजाब जो है वो दो बार आ रहा है, लेकिन उससे कंट्री तो इंडिया ही निकलेगी ना। कंट्री तो ऐसा नहीं है कि पंजाब अगर आ गया है तो कंट्री कोई दूसरी आ जाएगी, ठीक है। अगर राजस्थान आया है तो राजस्थान की कंट्री जो है वो इंडिया ही आएगी। तो इसका मतलब ये है कि भले ही यहां पर रिपीटेशन हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन रिपीटेशन अगर हो भी रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो भी रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टेट है उससे मैं कंट्री को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो ये भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये प्राइमरी की हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि यहां पर हमारे पास सारे एट्रीब्यूट्स आ जाए, लेकिन अगर कुछ भी आ रहा है ना वो भी हमारे लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी का काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेट से मेरी कंट्री आइडेंटिफाई हो रही है, ये भी मेरा एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। क्या कंट्री मेरे लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी का काम करेगी? तो कंट्री अगर इंडिया है तो इसका जरूरी नहीं है कि इसका स्टेट हरियाणा हो। एक्चुअल में इसका स्टेट पंजाब भी हो सकता है, राजस्थान भी हो सकता है, उसके अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट 20 की एज के भी हो सकते हैं, 19 की एज के भी हो सकते हैं, 18 की एज के भी हो सकते हैं। वो राम भी हो सकता है, सुजीत भी हो सकता है, सुरेश भी हो सकता है, और उसका स्टूडेंट नंबर भी अलग अलग हो सकता है। तो कंट्री से कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसी तरह से एज से भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इन शॉर्ट आप ये सोचो कि अगर मुझे कोई एट्रीब्यूट दिया है तो मैं उससे क्या क्या चीजें पता कर सकता हूं। अगर मुझे स्टूडेंट का नाम बता दिया जाए मैं कुछ पता नहीं कर सकता, मुझे उसका फोन नंबर बता दिया जाए मैं पता नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन अगर मुझे उसका रोल नंबर बता दिया जाए तो मैं उसकी सारी डिटेल निकाल सकता हूं। अगर मुझे स्टेट बता दी जाए तो मैं ये बता सकता हूं कि ये स्टेट कौन सी कंट्री में है, लेकिन अगर मुझे कंट्री बताई जाए तो मैं स्टेट नहीं बता सकता। तो यहां पर इस टेबल में दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही है। आई बात समझ में? ऐसा भी हो सकता है कि आप एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को ज्वाइन करके फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालो, ठीक है। तो स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम से भी आप बाकी सारी चीजें पता कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक चीज को मिलाकर, कोई एक एट्रीब्यूट को लेकर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं निकाल सकते, लेकिन एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को लेकर हम कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाल सकते। तो हम इसको ऐसा कहेंगे कि x tends to y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसमें जो x है वो भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट होगा, और जो y है वो भी क्या होगा, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ही होगा, मतलब कॉलम्स, ठीक है। तो इस कॉलम, एक कॉलम को यूज करके आप कौन कौन से कॉलम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये कहलाता है फंक्शनल डिपेंडेंसीज। 100% क्लियर हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है और कैसे पता करते हैं। एक कॉलम से भी पता कर सकते हैं, दो कॉलम से भी, तीन से भी, चार से भी, पांच से भी, छह से भी, ठीक है। वेरी गुड।
अब एक चीज हमें आनी चाहिए, एट्रीब्यूट क्लोजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये एट्रीब्यूट क्लोजर हमें हेल्प करता है फंक्शनल डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, एट्रीब्यूट क्लोजर एक मेथड है जिससे कि हम जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन बी फंक्शनली डिटरमाइंड फ्रॉम इट। ठीक है, क्या बोला गया है, एट्रीब्यूट क्लोजर क्या है? एट्रीब्यूट सेट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे जिससे कि हम सारे फंक्शनलिटी डिफाइन डिटरमाइन कर सकें, सारी फंक्शनली डिपेंडेंसीज जो हैं वो हम डिटरमाइन कर सकें। कैसे हम पता करते हैं, हाउ टू फाइंड द एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ द एट्रीब्यूट सेट? ये थ्योरी है, अभी हम क्वेश्चन से करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले थ्योरी पढ़ लो। टू फाइंड द एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ द एट्रीब्यूट सेट हमें यहाँ पर दो काम करने पड़ेंगे। अगर मुझे किसी का भी एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एड एलिमेंट्स ऑफ द एट्रीब्यूट सेट टू द रिजल्टेंट सेट, रिकर्सिवली एड एलिमेंट्स ऑफ द रिजल्ट सेट विच कैन बी फंक्शनली डिटरमाइंड फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ द रिजल्ट सेट। मैं जानता हूं इस डेफिनेशन से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से करते हैं तभी समझ में आएगा। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको स्टूडेंट नेम अगर दिया हुआ है, अगर आपको स्टूडेंट नेम अगर दिया हुआ है तो स्टूडेंट नेम की मदद से आप क्या क्या चीजें पता कर सकते हो। आप स्टूडेंट का नंबर तो पता चल ही गया आपको, क्योंकि स्टूडेंट नंबर आपको ऑलरेडी गिवन है, उससे आप स्टूडेंट नेम भी पता कर सकते हो, स्टूडेंट का फोन नंबर पता कर सकते हो, उसका स्टेट पता कर सकते हो, कंट्री पता कर सकते हो और एज पता कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट नंबर का क्लोजर है, स्टूडेंट नंबर एक एट्रीब्यूट है और ये उसका क्लोजर है। क्लोजर को प्लस से डिनोट किया जाता है, तो स्टूडेंट नंबर के आगे प्लस लगा दिया, इसका मतलब कि स्टूडेंट नंबर ये एट्रीब्यूट है और उसके ये सारे क्लोजर्स हैं कि हम क्या क्या उससे पता कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को ले लें, तो मैंने स्टूडेंट नंबर के साथ साथ क्या ले लिया, स्टूडेंट नेम ले लिया और इन दोनों को मिलाकर मैंने एट्रीब्यूट बना दिया और इसका क्लोजर मैं पता कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मुझे पता करना है स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम इन दोनों को मिलाकर मैंने एक एट्रीब्यूट मान लिया और इसका क्लोजर निकाल रहा हूँ, ऑब्वियसली स्टूडेंट नेम से मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन स्टूडेंट नंबर से मुझे स्टूडेंट का नंबर, उसका नेम, फोन नंबर, स्टेट, कंट्री और एज सब पता चल रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी मुझे यही सब चीजें पता चलने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट नंबर से ही मुझे सब पता चल जा रहा था ना। तो स्टूडेंट नंबर से ही जब मुझे सब कुछ पता चल जा रहा है तो उसके साथ चाहे मैं नेम ले लूं चाहे मैं एज ले लूं, मेरा क्लोजर तो सेम ही रहेगा। तो ये मेरा एट्रीब्यूट क्लोजर कहलाएगा स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम के लिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट नंबर जो है वो मेरा प्राइमरी की था, स्टूडेंट नंबर मेरा क्या था, प्राइमरी की, और स्टूडेंट नेम के साथ में अगर मैंने स्टूडेंट नंबर ऐड कर दिया तो ये मेरा सुपर की कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपर की। अच्छा, सबसे छोटा सुपर की जो होता है उसको आप कैंडिडेट की भी बोलते हो, मिनिमम साइज का जो सुपर की होता है उसको आप क्या बोलते हो, कैंडिडेट की। ठीक है, तो स्टूडेंट नंबर को आप कैंडिडेट की भी बोल सकते हो। तो कैंडिडेट की क्या होती है, जो सबसे छोटे साइज की होती है। तो स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम दोनों मिलकर जो बनता है वो सुपर की है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें से छोटा कर दूं, सुपर की को छोटा कर दूं, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी कॉलम्स हैं जिनकी की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसमें से स्टूडेंट नेम की जरूरत नहीं है हटा दिया, तो ये मेरा कैंडिडेट की हो गया। आगे समझ में कि कैंडिडेट की क्या होता है और सुपर की क्या होता है। सुपर की में से जितने सारे एट्रीब्यूट हटा सकते हैं वो हटा दो, बाकी का बचा हुआ कैंडिडेट की कहलाता है। तो एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना समझ में आ गया, कैंडिडेट की समझ में आ गया, सुपर की समझ में आ गया। हाँ, 1 month की स्ट्रेटेजी गेट की सिंपल ये होना चाहिए कि आप जितना भी वीडियोस हैं मेरे उनको देख लो, एक एक बार रिवीजन कर लो सारे वीडियोस से, क्योंकि मेरे वीडियोस जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने पढ़ाया हुआ है सारा। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर रिवीजन करना है आप उठाओ, 25-30 वीडियो हैं, देख के खत्म कर लो। ठीक है, और उसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर रोज लगाओ,
रोज एक प्रीवियस ईयर का पेपर लो और उसको सॉल्व करो, ठीक है? ये आपकी लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके लिए अगर एक आध वीडियो अगर रहेगा तो मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो एक ले आऊंगा संडे के दिन, ठीक है? चलो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें ये समझ में आएगा कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें कुछ भी क्लियर नहीं होगा, तो हम क्वेश्चंस करते हैं जिससे क्लियर होगा। तो एक ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप देखो। कंसिडर द रिलेशन स्कीमा, हमें एक रिलेशन दिया हुआ है आर, इसके अंदर कॉलम के नेम है ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये एन होगा है ना, ये एन होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास सारे सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं और हमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है। देखो यहां पर हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है कि अगर मेरे पास ई और एफ है तो मैं उससे जी को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, अगर मेरे पास एफ दिया हुआ है तो मैं उससे आई और जे को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, अगर मेरे पास ई और एच दिया है तो मैं उससे के और एल को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, अगर मुझे के दिया हुआ है तो मैं उससे एम को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, और अगर मुझे एल को एल दिया है तो मैं उससे एन आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो हमें सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी दी हुई है। अब मुझे कैंडिडेट की का पता करना है, ठीक है? अब मुझे क्या पता करना है, कैंडिडेट की कौन सी है पता करना है। हाँ, संडे को टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और इस बार जो एक मंथ लास्ट मंथ बचा है गेट के लिए उसमें कैसी प्रिपरेशन कर सकते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि हमें निकालना क्या है, हमें कैंडिडेट की निकालना है। आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं और इनको इस्तेमाल कर कर आपको कैंडिडेट की पता करना है। पहले मैं आपको मेथड बता देता हूं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं उसके बाद शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। तो पहला तरीका ये होगा कि आप इसके क्लोजर्स निकालो, ठीक है? जो ई है इसका क्लोजर निकालो, जो एफ एट्रीब्यूट है इसका भी आप क्लोजर निकालो, जी एट्रीब्यूट का भी क्लोजर निकालो, एच का भी क्लोजर निकालो, आई का भी क्लोजर निकालो। पहले मैं मेथड से बताऊंगा, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। के का क्लोजर निकालेंगे, ठीक है? इस तरीके से सबका क्लोजर निकालेंगे। तो ई का क्लोजर क्या होगा, देखो इससे आपको एट्रीब्यूट क्लोजर भी निकालना समझ में आ जाएगा। तो ई से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, ई से हम ई का तो पता कर ही सकते हैं, और ई से हम क्या पता कर सकते हैं, तो देखो ई अकेला आपको लेफ्ट साइड में कहां पर दिख रहा है, कहीं पर भी नहीं। ई लेफ्ट साइड में अकेला कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, मतलब ई की मदद से हम ई के अलावा कुछ भी पता नहीं कर सकते। जब तक आपको ई के साथ एफ नहीं पता चल जाएगा, एफ नहीं मिलेगा तब तक आप जी का पता नहीं कर सकते, ई के साथ एच होगा तभी आप कुछ पता कर सकते हो, अकेला ई किसी काम का नहीं है। आई बात समझ में? एफ का क्लोजर निकालते हैं, एफ के क्लोजर में एफ तो आएगा ही, और आप देखो एफ की मदद से आप आई और जे का पता कर सकते हो, तो एफ के क्लोजर में आई आ जाएगा और जे आ जाएगा, आई आ जाएगा और जे आ जाएगा। अब रिकर्सिवली इसको सॉल्व करना है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, जो मैंने कहा था कि डेफिनेशन पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझ में आएगा। तो अब इस प्रोसेस को रिकर्सिवली करना है, जो जो एलिमेंट्स यहां पर आते जाएंगे उनकी मदद से क्या क्या डिराइव होना हो सकता है वो देखेंगे। तो हमने देखा कि एफ की मदद से हमने आई और जे इंक्लूड कर लिए, अब आप देखो एफ आई और जे की मदद से आप क्या क्या पता कर सकते हो। तो यहां पर एफ आई जे के मदद से और कुछ भी पता नहीं कर सकते, क्योंकि एफ आई जे और कहीं पर भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं दिख रहा है, तो बस आपका एट्रीब्यूट क्लोजर यही रहेगा। और अब जी के लिए एट्रीब्यूट क्लोजर पता करते हैं, तो जी से आप क्या पता कर सकते हो, जी आपका लेफ्ट हैंड साइड में कहीं नहीं आ रहा, तो जी से आप जी के अलावा कुछ भी पता नहीं कर सकते हो। उसी तरह से एच से देखो कि एच से क्या पता कर सकते हो, तो एच आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ रहा, मतलब एच में आप एच के अलावा कुछ भी पता नहीं कर सकते हो। आपको कैंडिडेट की किसको मानोगे, आप कैंडिडेट की उसको मानोगे जिसकी मदद से आप सारे एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई कर लो, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, सारे एट्रीब्यूट अगर किसी की मदद से आ जाते हैं उसको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। उसी तरह से आप आई के लिए निकाल लेंगे, जे के लिए, के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट का हो गया, अब दो दो के कॉम्बिनेशन लोगे, दो दो के कॉम्बिनेशन लोगे कि ई के साथ हम एफ का क्लोजर निकालेंगे, ई के साथ हम जी का क्लोजर निकालेंगे, ठीक
इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप सारे कैंडिडेट की आइडेंटिफाई कर जाओ कर पाओगे, जो कि बहुत बड़ा काम है। आपको समझ में आ गया कि अगर इस क्वेश्चन को अगर मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन ही नहीं खत्म होने वाला। आ गया समझ में? ये समझ में आ गया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? शॉर्ट ट्रिक ये होगी कि आपको पता है कि ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो सिर्फ ऑप्शन का क्या निकालो, ऑप्शन का क्लोजर निकालो, मतलब कि ई एफ प्लस निकालो, ई एफ एच प्लस निकालो, सी एच सी एफ एच के एल का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालो और ई का क्लोजर निकालो, तो इन सब का क्लोजर निकालो। अभी एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले इससे सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो उससे भी कम टाइम लेगी। तो पहले ई एफ प्लस का क्लोजर निकाल लेते हैं। तो ई एफ से हम क्या निकाल सकते हैं, ई एफ से हम ई और एफ को तो पता कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम जी का भी पता कर सकते हैं, ठीक है। एफ की मदद से आप आई और जे का भी पता कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ई एच आपके पास नहीं है, के भी नहीं है, एल भी नहीं है, तो इसका मतलब आप इसके अलावा और कुछ भी पता नहीं कर सकते हो, ई एफ जी आई जे के अलावा। सारे कॉलम्स आए क्या? सारे कॉलम्स नहीं आए, इसका मतलब ये आपका कैंडिडेट की नहीं है, तो ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया। आगे बात समझ में? ऑप्शन ए क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि जब हमने क्लोजर निकाला तो इसमें सारे कॉलम्स नहीं आए। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में ई एफ और एच तो ऑलरेडी है, उसके बाद ई और एफ को यूज करके आप जी निकाल सकते हो, जी आ गया। एफ को यूज करके आप आई और जे निकाल सकते हो, तो आई और जे आ गया। फिर ई एच ऑलरेडी है इसमें, और ई एच को यूज करके आप के और एल पता कर सकते हो, ये भी आ गया। और के ऑलरेडी है, के को यूज करके आप एम पता कर सकते हो, ये भी आ गया। और एल ऑलरेडी है, एल को यूज करके आप एन पता कर सकते हो। देखो सारे कॉलम्स आपके आ गए, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, सारे कॉलम्स आ गए। इसका मतलब कि ऑप्शन बी सही है, ये आपका एट्रीब्यूट क्लोजर है। आप चाहो तो आगे के ऑप्शन को चेक करो, चाहे तो मत करो। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि सी से भी तो आप सारे एट्रीब्यूट पता कर सकते हो, तो ऑप्शन सी भी सही होगा, लेकिन ये गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि ऑप्शन सी इज अ सुपर की। ऑप्शन बी में आप देखो ई एफ एच आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप ऑप्शन से चेक करोगे ना, तो जो सबसे कम एलिमेंट वाला है ना, आप उसको चेक करना सबसे पहले, क्योंकि अगर मान लो ऑप्शन डी को चेक करो सबसे पहले, है ना, ऑप्शन डी को चेक करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन डी अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर ई कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब कि ई के अलावा कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको डी ऑप्शन को चेक करना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है। क्योंकि अगर ई सही हो जाता तो ई तो सब में आ रहा है, बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। मैंने क्या वो कहा, तो सबसे छोटा एट्रीब्यूट है ना, उसको चेक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि कैंडिडेट की मिनिमल होती है, कैंडिडेट की जो होती है वो मिनिमम होती है। तो अगर आप यहां पर मिनिमम देखोगे तो ऑप्शन डी है। अगर ई के कारण सारा डिराइव हो जाता तो ऑप्शन ए बी सी से भी डिराइव हो जाता, और अगर आप ए से चेक करने बैठते तो आप गलती से ए टिक कर देते, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले मिनिमम से स्टार्ट करोगे। अब ई से तो ई ही आइडेंटिफाई होगा। अब क्योंकि आपने देखा कि ई और एफ से कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, सारे ई एफ एच से आइडेंटिफाई हो गया है। तो अगर ई एफ एच से सारे एट्रीब्यूट मिल गए हैं, तो ई एफ एच के एल से भी सारे एट्रीब्यूट मिल जाएंगे, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है वो सुपर की होगा, कैंडिडेट की नहीं होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आ गया समझ में? कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा हाँ, इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक तो बताना भूल ही गया। देखो एक शॉर्ट ट्रिक और है इसमें, क्या करो, जितने भी राइट हैंड साइड पे जो जो लिखा है वो सब लिख लो। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, जी। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, आई और जे, के एल एम और एन, पहले इन सबको लिख लो, जी और आई जे और के एल एम और एन, ये सब राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी तरीके से ये सब तो मिल ही जाएंगे, जी आई जे के एल एम एन, ये तो मिल ही जाएंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड में आ रहे हैं। लेकिन जो राइट हैंड साइड में नहीं आ रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं मिलेंगे,
उनको हमें खुद से पिक करना पड़ेगा। कौन कौन से यहां पर नहीं है, तो यहां पर ई नहीं है, एफ नहीं है, जी है, एच भी नहीं है, ठीक है। तो ई नहीं है यहां पर, एफ नहीं है, जी है, एच नहीं है, आई जे है, के एल एम एन है, लेकिन ई एफ और जी, ई एफ और एच नहीं है, ई एफ और एच नहीं है। इसका मतलब कि जो भी इसकी कैंडिडेट की होगी उसके अंदर ई एफ और एच तो चाहिए ही, क्योंकि ई एफ और एच हमारे राइट हैंड साइड पे नहीं है। तो इसका मतलब कि किसी भी तरीके से हम ई एफ और एच को निकाल नहीं सकते हैं, किसी भी एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके हम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब कि ई एफ और एच तो मुझे चाहिए ही पड़ेगा। और फिर इसका आप निकाल लो क्लोजर, इसका क्लोजर निकाल के देखो कि क्या ये आ रहा है, मतलब सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि यही आपकी कैंडिडेट की होगी। और अगर नहीं भी कैंडिडेट की होगी, लेकिन ये बात तो तय हो गई कि इसमें ई एफ और एच आएगा, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऐसे दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, बी और सी। बी और सी जो है उन दोनों में ई एफ और एच है, ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन डी रिजेक्ट हो गया। अब आप ई एफ एच का क्लोजर निकालो, क्योंकि ये छोटा है और सी ऑप्शन बड़ा है, तो पहले आप छोटे वाले का क्लोजर निकालो। अगर इसमें सारे एट्रीब्यूट आ गए मतलब ये आंसर होगा, और नहीं तो सी आंसर होगा। क्लियर है, आ गया समझ में शॉर्ट ट्रिक? एक और क्वेश्चन करते हैं, अब इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ठीक है। इन अ स्कीमा विद द एट्रीब्यूट ए बी सी डी ई फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर गिवन, ठीक है। हमें फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज इज नॉट इंप्लाइड बाय बाय द अबव सेट। अब हमें बताना है कि ये जो हमें चार फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी है, इसमें से कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, नॉट इंप्लाइड। तो देखो सी डी का क्लोजर निकालो, ठीक है ना। हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी गलत है, मतलब कि क्या सी डी की मदद से हम ए और सी को डिराइव कर सकते हैं या नहीं, बी डी की मदद से क्या हम सी और डी को पता कर सकते हैं या नहीं, बी और सी की मदद से क्या हम सी डी को पता कर सकते हैं, और ए सी की मदद से हम बी सी को पता कर सकते हैं या नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब कि हमें क्लोजर ही निकालना पड़ेगा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि सी डी की मदद से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं। तो सी डी की मदद से सी तो पता चल ही जाएगा, डी भी पता चल जाएगा, क्योंकि सी और डी तो ऑलरेडी गिवन है। अब सी और डी की मदद से मैं क्या क्या पता कर सकता हूँ, तो सी और डी की मदद से मैं ई पता कर सकता हूँ, तो मेरे पास ई आ गया, ठीक है। और ई की मदद से मैं ए को पता कर सकता हूँ, ए आ गया, ठीक है। अब रिकर्सिवली चेक करते जाना है, ठीक है ना। ए की मदद से मैं बी को भी पता कर सकता हूँ, तो बी भी आ गया, और सी और फिर ए की मदद से मैं सी को भी पता कर सकता हूँ, तो यहां पर सी तो ऑलरेडी था ही, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखो कि सी डी जो है वो एक तरीके का हमारा कैंडिडेट की हो गया, क्योंकि इससे ए बी सी डी ई सारा पता कर सकते हैं, तो सी डी जो है वो एक तरीके का कैंडिडेट की हो गया। दूसरी बात ये है, अच्छा दूसरी बात ये है, सुपर की भी हो सकता है, कैंडिडेट की जरूरी नहीं है, हमें सी को या डी को एलिमिनेट करके भी देखना पड़ेगा। सुपर की तो 100% है, हो सकता है कैंडिडेट की भी हो, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूँ सुपर की, क्योंकि हो सकता है कि सी को एलिमिनेट करके या डी को एलिमिनेट करके भी हम ये सब आइडेंटिफाई कर सके, वो हमें पता चलेगा जब हम क्लोजर निकालेंगे, लेकिन अभी हमारा काम तो वो नहीं है। अभी हमें सिर्फ ये चेक करना है कि सी डी की मदद से हम ए सी पता कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल सी डी की मदद से आप ए और सी पता कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि हमें पता करना है कि कौन सा इंप्लाई नहीं कर रहा है। अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं कि क्या बी डी की मदद से हम सी डी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो पहले बी डी का अगर मैं क्लोजर निकालूं तो बी तो पता चल ही जाएगा, डी भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिवन है। अब देखो बी की मदद से आपको डी मिलेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में देखो, कहीं पर भी आपको बी और डी नहीं दिख रहा है, बी से आपको डी ही मिल रहा है बस, और डी से आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, मतलब इसमें बी डी से बी डी ही पता चलेगा, सी डी पता नहीं चल पाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो गया, कि ऑप्शन बी जो कह रहा है कि बी डी की मदद से आप सी डी पता कर लोगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो एट्रीब्यूट क्लोजर और फंक्शनल डिपेंडेंसी इन्हीं पर ही डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन, और आगे के नॉर्मलाइजेशन भी इसी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है।
ठीक है चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, कंसिडर अ रिलेशन, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, ऑन विच फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड। अब हमें कैंडिडेट की पता करनी है, हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, कैंडिडेट की पता करनी है। अब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड वाले सारे लिख लो। राइट हैंड साइड पे बी है, लिख दिया। राइट हैंड साइड पे डी है, लिख दिया। राइट हैंड साइड पे सी है, लिख दिया। राइट हैंड साइड पे ए है, लिख दिया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे ए, बी, सी और डी है। अब इसमें कौन कौन से नहीं है? बी मुझे मिल गया, सी मुझे मिल गया, डी मुझे मिल गया और ए मिल गया। ई और एच नहीं मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरा कैंडिडेट की होगा, जो भी मेरी कैंडिडेट की होगी, उसके अंदर ई और एच का होना कंपलसरी है। ई और एच के बिना मेरा कैंडिडेट की नहीं बन पाएगी, क्योंकि ई और एच मुझे मिलेगा ही नहीं राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ई और एच में से कोई एक भी अगर नहीं होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ई और एच तो दोनों चाहिए। तो अब यहां पर कैंडिडेट की बोल रहा है ए ई और बी ई, ऑब्वियसली दोनों में ही एच नहीं है, ऑप्शन ए रिजेक्ट। ऑप्शन बी में देखो, यहां पर ई है, एच नहीं है कहीं पर भी, इसका मतलब ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हो गया। यहां पर देखो आप, ई एच इसमें है, इसमें भी ई एच है, लेकिन इसमें ई एच में ई नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें इस कैंडिडेट की में ई एच नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जिसमें ई एच और ई एच है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ये है डायरेक्ट ट्रिक, इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते। आया समझ में? तो इस तरीके से हमारा आंसर विद इन 30 सेकेंड आप निकाल सकते हो। आया समझ में? तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज, कैंडिडेट की, सुपर की, इस पे अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, अब आपसे ये क्वेश्चंस बनने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कर लेना ताकि आपका और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। लेकिन आई थिंक इतने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो वो बहुत ईजी होते हैं, आप आराम से टिक कर लोगे। ठीक है, बैचेस जिसको भी ज्वाइन करना हो गेट के, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना 9555031137। यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट बैच बनने वाला है, इसलिए मैं आपको बहुत हैवी डिस्काउंट पे यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे पढ़ाने वाला हूँ। टारगेट भी मेरा यही रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा के अच्छे से अच्छा सिलेक्शन दे सकूँ, और 1-to-1 काउंसलिंग रहेगी वीडियो कॉलिंग पे संडे टू संडे, जिससे कि आपको एक एक की इंप्रूवमेंट, आप एक एक जो इंसान है वो सही से पढ़ रहा है कि नहीं। वीडियो कोर्स आपने अगर ले लिया है और आपको ऐसा नहीं कि छोड़ दिया मैंने, कि आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसका कोई देखने वाला नहीं है, आपको वो भी वॉच रहेगी आपके ऊपर। हाँ, एक बार फिर से बता देता हूँ उस क्वेश्चन को, रोहित ने कहा एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, राइट हैंड साइड में जितने भी हैं पहले वो देख लो। राइट हैंड साइड में क्या क्या मुझे मिल रहा है? राइट हैंड साइड में मुझे मिल रहा है ए, बी, सी और डी। इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड में जो मिल रहा है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की ऐसी की होती है जिसकी मदद से मैं सारे एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर सकूं। तो मुझे ए बी सी डी ई एच सारे पता करने, लेकिन यहां पर तो मैं ए बी सी डी ही पता कर पा रहा हूं, तो मेरे पास कौन से एट्रीब्यूट यहां पर मुझे नहीं मिले? ई और एच। इसका मतलब यह हुआ कि कैंडिडेट की में ई और एच होना जरूरी है, अगर ई और एच नहीं होगा तो मैं किसी भी तरीके से सारे एट्रीब्यूट नहीं पता कर सकता, क्योंकि मेरे डेरिवेशन में सिर्फ ए बी सी डी है, तो मेरे कैंडिडेट की में ई और एच दोनों होना कंपलसरी है। तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके कैंडिडेट की, अगर आप देखोगे ये एक कैंडिडेट की है, ये दूसरी कैंडिडेट की है और ये तीसरी कैंडिडेट की है, और हर एक कैंडिडेट की में ई एच होना जरूरी है। बाकी अगर आप यहां पर देखोगे तो ऑप्शन ए में एच नहीं है, ऑप्शन बी में भी एच नहीं है, ऑप्शन सी में यहां पर एच नहीं है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। बाकी आप क्लोजर निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर आपको सारे के सारे मिल जाए, अगर आपको सारे के सारे मिल जाए, ठीक है, मान लो कि आपने अगर राइट हैंड साइड पे देखा और अगर राइट हैंड साइड में आपको ए भी मिल गया, बी, सी, डी, ई, एच सारे अगर मिल गए, तो इसका मतलब यह है कि अब आपकी कैंडिडेट की कुछ भी हो सकती है। फिर आपको ए का क्लोजर भी निकालना पड़ेगा,
बी का क्लोजर भी निकालना पड़ेगा। शुरुआत हमेशा मिनिमम से करना, ऐसा नहीं है कि आप मैक्सिमम से करो, चाहे ऑप्शन से करो चाहे मेथड से करो, हमेशा मिनिमम से स्टार्ट करना, क्योंकि कैंडिडेट की जो होता है वो हमेशा मिनिमम होता है। तो आप ए बी सी डी से शुरू करोगे, ठीक है ना, और अगर ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन की मदद लोगे कि ऑप्शन में जो जो दिया है उससे आप क्लोजर निकालो और देखो कि वो मैच कर रहा है या नहीं, और ऑप्शन को एलिमिनेट करो। आ गई बात समझ में? और जो कैंडिडेट की में आ गया उसको आप लेकर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे, नहीं तो वो सुपर की बन जाएगा। ये गलती नहीं करना, ये गलती मोस्टली हो जाती है। तो अगर आपने कोई कैंडिडेट की पता कर ली तो उसको आप अलग हटा दो। जब आप दूसरा क्लोजर निकाल रहे हो तो जिन एट्रीब्यूट से आपको पता चल गया कि कैंडिडेट की बन गई है, मान लो कि आपने पता किया कि ए और बी जो है वो कैंडिडेट की का काम कर रहा है, तो अब आपको जब दूसरी कैंडिडेट की पता करनी है तो आप उसमें ए और बी को नहीं लोगे। हाँ, अकेले ए को ले सकते हो, अकेले बी को ले सकते हो, लेकिन ए बी दोनों को एक साथ नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अगर आपने ए बी को एक साथ ले लिया तो ऑब्वियसली, क्योंकि ए बी की मदद से भी सारे एट्रीब्यूट डिराइव हो रहे हैं, तो उसका जो सुपर सेट आएगा ए बी सी, उससे भी सारे एट्रीब्यूट डिफाइन हो जाएंगे, लेकिन ये कैंडिडेट की नहीं कहलाएगा, ये सुपर की कहलाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है आप कैंडिडेट की के केस, ठीक है? आ गई बात समझ में? चलिए तो अब इस क्लास को एंड करते हैं। आई होप आप लोग के काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।